दीदी हाउ आर यू, कितने टाइम बाद संचय हुनु छ? संचय दे रहे, संचय हाँ। और ना ये बंदा जो है तो फुल दारू पी के आ रहा है और ये ऑटो वाले को मार रहा है और उसके पैसे नहीं दे रहा। दारू पीने के लिए कितने पैसे कितने है? कितना का पिया? उसका पैसा देने के लिए पैसे नहीं दे रहा। पीछे से निकलेगी। पूरा सीन देखो कितना कूल है, इतने सारे लोग, होटल जैसा फील आ रहा है भाई। ये जैसे ये लोग मेरे दोस्त है ना, ऐसे मैं चाहता हूँ किसी को भी ना मिले, क्योंकि ऐसे दोस्त मुझे ही चाहिए यार। हमारा कोलैब करवा दो नौरा मैम के साथ। हमारा कोलैब करना बढ़िया चीज है, बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। क्या इतना सब होगा वही तो, और पहली बार का एक्सपीरियंस है भाई, बहुत ही क्रेजी। 10,000 का हेलमेट बाकी तो वही सीन है कि अभी यहाँ से निकलते हैं, ऊपर जाते हैं, देखते हैं भाई, फुल एंजॉय करेंगे। एक घंटा लगेगा हमें प्रॉपर। और यहाँ पर ना पता है प्राइवेट बोट भी मिलता है जो डायरेक्ट मुंबई जाती है। जब हमने प्राइवेट बोट का पूछा तो उन्होंने वो बोलते हैं कि सर आपको 15 मिनट में पहुंचा देंगे। मैंने बोला वाओ। प्राइस पूछा तो बोलते हैं कि 6,000। मैंने बोला कोई नहीं, ठीक है सर, हम एंजॉय करके जाएंगे। गेट वगैरह है वो बंद हो चुका है, बट अंदर का पूरा सीन देखो कितना कूल है, इतने सारे लोग, होटल जैसा फील आ रहा है भाई। होटल है क्या इसके अंदर? सो गाइज फाइनली हम प्रॉपर मुंबई पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पर अभी कुछ पीने के लिए रुके हुए। ये बंदे को इतना अच्छा अलीबाग घूम के आया, सब चीज ऐसी खुली खुली, पेड़ हो गए, बीच वगैरह हम अच्छे से गए नहीं, तो इसने यहाँ पर आके चुपता कर रहा है, बोल रहा है कि वर्षों आ जाएंगे। तो यहाँ पर बीच है, पीछे साइड आप देख रहे होंगे, बीच है। पर जो भी है, ऋतिक के लिए हम गए थे क्योंकि ये कल जाने वाला है, कल रात की इसकी ट्रेन है, तो कल जाने वाला, तो हमने बोला चल प्रॉपर तेरी इंजॉय हो गई, तेरी इंजॉयमेंट होगी, इसे इंजॉय होना चाहिए। भले 10,000 हम दोनों के लग जाए, 10,000 हम दोनों के लग जाए, बट इंजॉयमेंट तेरी होनी चाहिए भाई। हैप्पी हैप्पी है ना। अभी यहाँ पर आ रखे हम, कौन सा क्या है, कौन सा बीच है? वर्सोवा। सॉरी पहली बार आया हो। सॉरी नहीं, मैं भूल जाता हूँ वर्सोवा, और उसमें बीचेस एक तो बहुत सारा है। सॉरी समझ गए, तुम लोग समझ गए। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, यहाँ पर देखो सनसेट भी होने वाला है, एंड वही सीन है कि अभी यहाँ थोड़ा सा जा रहे हैं, बट यार नीचे उतरना था, बट नीचे क्या है ना पूरा पानी भर चुका है और पूरा पत्थर तक आ चुका है यार। फिर फायदा नहीं, हम सोचे थे वीडियो बनाते हैं कुछ। फुल सनसेट हो चुका है, फुल एंजॉय किया है यहाँ पर, और भाई एंजॉय तो करने वाला एक ही बंदा है यहाँ पर पूरा दिन, ऋतिक दिवाकर इन द हाउस। यही है जो एंजॉय कर रहा है कब से, 2 दिन से भाई। एंजॉय तो तू तब करेगा जब घर जाएगा। गाइस घर पे आ चुके हैं, एंड अभी पूरी बॉडी जो है, मेरे शक्ल से आपको लग नहीं रहा होगा, बट अंदर ये इनर बॉडी जो है मेरी बहुत ही पूरी थक चुकी है। बट वही सीन है कि दैट बहुत ही मजा आया, जितना भी पूरा, होप करता हूं कि आपको भी व्लॉग में मजा आ ही रहा होगा। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग की जो शुरुआत है ना, ये पता है यहाँ पर हो रही है स्टेशन से, बिकॉज हमारा जो ऋतिक है, मतलब हमारे इतने बुरे दिन चल रहे थे, फाइन प्रकाश, वो आकाश है मेरा नाम, प्रकाश तू तो चुप रह, रितिन रितिन तेरा नाम भी रितिन है भाई, तेरा मेरा नाम हो गया, मेरा प्रकाश तेरा रितिन, मेरा पोगेस पोगेस बढ़िया है। तो वही सीन है कि आज जा रहा है हमारा दोस्त, हमारे इतने बुरे दिन आ रहे थे, बट फाइनली इतने अच्छे दिन आ गए कि हमारा दोस्त जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। मजाक करो, नहीं भाई भाई मजा आ गया। आज हम दोनों बात इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम, कानपुर से भाई भगवान की तरह आया, तो लो दोनों पुत्रों आशीर्वाद है, दोनों बात करो। चलो भाई, जैसे हमारी लड़ाई होगी, हमारी लड़ाई किसने सुलझाई? इसने सुलझाई, ठीक है। अभी जा रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, अब हम 2 दिन बाद एक दूसरे के चाटा मारेंगे और फिर उसे बुलाएंगे, लड़ाई होगी, जान मुझे बोलेंगे कि लड़ाई होगी भाई, आ जाओ वापस इसको बुलाने के चक्कर में। बट ये कोई नहीं, अभी जाएगा, अभी पास हो गया भाई। कितने बार आए तेरे 10th में? बताना नहीं बताना, फेल हो गया गाइस चौथी बार। नहीं पास हुआ है ये, बट नंबर नहीं बताता कि बिकॉज इसके ना क्या है ना, हमसे ज्यादा आए, जेन्युइनली आए, अब इनको लगेगा पक्का झूठ बोल रहे हैं। इतना गेस कर लो, इन दोनों से ज्यादा है, 80 और 60 के नीचे, बीच में, सॉरी। तो इसी ने कि अभी जा और बिंदास हैप्पी रहे, पापा से बात कर, पापा से कुट, अच्छे से कुट, फिर उसके बाद आइयो आराम से। बट बाकी ट्रिप वगैरह भी कर लिया, ये आया, बात भी कर ली, घूम भी कर लिया, तो मतलब बढ़िया है। चलो अभी ठीक है, अभी इसके लिए जो कि ट्रेन कहाँ से थी, बैंड्रा से। हाँ बैंड्रा से इसकी ट्रेन है, आ गई। 12 डिपो की ई लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है।
बैंड्रा हम पहुंच गए, ऐसा लग रहा है बच्चों के लाश लेके घूम रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है पुलिस वाले ना डंडे मारे, मैं तो भाग जाऊंगा भाई। सो अभी ना 9 बज चुके हैं एंड इसका सिर्फ 1 घंटे बाद ही ट्रेन है, और इसको पता ही नहीं कि ट्रेन कब आने वाली है, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे। भाई देख ले भाई, भाई छूट जाए तो हमारे तो मजे हैं, तेरे छूट जाए बस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाए बस। बाय बाय, फाइनली हमारा दुख दर्द पीड़ा जा रहा है। माँ कसम मैं ये चीज कभी नहीं बोलता, अभी मैं मन भी नहीं था बोलने का, लेकिन ये जैसे ये लोग मेरे दोस्त है ना, ऐसे मैं चाहता हूँ किसी को भी ना मिले, क्योंकि ऐसे दोस्त मुझे ही चाहिए यार। कोई नहीं, पागल है कसम, बहुत सारी चीजें करी है जो मैं इमोशनल बंदा हुई नहीं, मैं चीजें बोलता नहीं हूँ, शिवर कर रहा हूँ मैं अभी जैसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, एक हक लास्ट हक बेचारा, लास्ट तो नहीं मतलब अभी के लिए, ये ट्रिप के लिए लास्ट हक, जल्दी आइयो, किस तो बाकी है अपना किस। सो गाइस ऋतिक को छोड़ दिया एंड अभी वो चला भी गया, उसकी ट्रेन चल भी गई होगी। हम यहाँ पर आ रहे थे ओबेरॉय मॉल में और हमारा मूवी देखने का प्लान हुआ है। सो अभी हमारी जो मूवी है वो 11:15 की है और 11 बज चुके हैं, तो हमें भागना पड़ेगा, 11 भी नहीं बजे भाई, अभी तो 11:06 हो गया है, बाकी मूवी देखने आ रखे हैं। एंड हम कितने, अभी हम दोनों ही बात करते हैं कितने टाइम से हम ना क्लब भी नहीं गए साथ में, तो क्लब भी जाना है, बट इसके बाद नहीं, कल जाएंगे। जल्दबाजी में मूवी की टिकट बुक कर दी, फिर बाद में पता चला कि मूवी जो है इंग्लिश में है, भाई का मुंह बन गया। कोई नहीं भाई, उससे अच्छी इंग्लिश तेरी है, तू मान, अब बोल सकता हूँ मैं कि देख सकता हूँ मूवी। वही तो, हाय गाइस वेलकम वेलकम। ओ भाई देख रहा है, ये मूवी के लिए ना 18 से बड़ा एज चाहिए, सोचो इतनी डरावनी है। अनदर डे सेम व्लॉग। सो गाइस कल मूवी देखने के बाद भाई मतलब लाइक कैसे भी हालत में, मतलब इतना मूवी देखने के बाद वही होता है ना कि रात को इतनी डरावनी मूवी देखने के बाद घर आने का डर लगता है, तो जैसे तैसे करके घर पे आया, फिर देन उसके बाद अभी वापस से उठ चुका हूं, रेडी वेडी इसलिए हुए हैं बिकॉज मेरे जो ऋषि सर है विवेक ऋषि, एंड उनका जो है मतलब लाइक न्यू स्टूडियो खुल रहा है, तो उसके ओपनिंग के लिए उन्होंने मेरे को इन्विटेशन भेजा है, तो उसी के लिए मैं फुल रेडी वेडी होके उनके पास जा रहा हूँ, तो फिर उनके पास जाके मतलब भाई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। अभी पहुंच चुके हैं हम एंड लुक हु इज हियर, क्या स्मार्ट लग रहा है, कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस ऋषि सर, क्या बात है, अंदर जाके दिखाओ कैसा है। श्रीति दी हाउ आर यू, कितने टाइम बाद, संजय अनुचा, मेरे को तो बाद में पता चला कि दैट मेरे को झलक में पता चला ये नेपाली करके, जब इन्होंने बोला ना तब मेरे को पता चला मतलब नेपाली बोलने आती तो है ना, तो ये इजी थोड़ी है, मुझसे अच्छी आती है, मुझसे अच्छी आती है। चलो भाई डांस वीडियो बनाएंगे साथ में, और वीडियो चल ही रहा है, रूहेल सर आए भाई, गुड मॉर्निंग सर, रूहेल सर इन द हाउस, क्या बात है, सब्सक्राइब मत करना और फॉलो मत करना, ये क्या हाय बोलो, हाय बोलो मेरे ब्लॉग में, हाँ चलो बाय बाय, अब बाय, मजाक कर रहा, ब्लॉग है। सो ना ये हमारी रवीना दी है, ये कोरियोग्राफर है एंड वन ऑफ द माय फेवरेट कोरियोग्राफर। झूठ झूठ, ये सबसे बड़ा झूठ है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, अभी के लिए भाई, अभी के लिए मन रखने के लिए बोल दिया, मन रखने के लिए बोल दिया, कोई नहीं है ना, तो इसलिए मैं हूं, नहीं अरे वाह, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बात अलग है कि हाँ नौरा फतेह अभी यहाँ नहीं है ना, इसलिए उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, नौरा फतेह इज नॉट, आप करते हो ना कॉल, मतलब तो करते हो ना आप कोरियोग्राफ करते हो ना, उनको मिलवा दो कभी हमें, नौरा फतेह मिला नहीं है, मिला हूँ मैं, अरे वैसे मिलना अलग होता, हमारी तमन्ना पूरी नहीं हुई ना उनसे भाई, तो कभी वो चाय पे बुलाए हमें खाना खाने के लिए, नाश्ता के लिए, आपको भी नहीं बुलाया, तो फिर हमारा काम नहीं आपसे बात करके लाया, और ऐसा करे दो तीन बार, वही तो मुझे तो किया है, झलक में किया था ना, अच्छा झलक में जली ना, सामने से भी हुई थी तेरी भी जली ना, सामने हां मैं सामने से हुई थी भाई, वो चांटा होता है वो चांटा होता है एक्चुअली, बट फिर वही सीन है कि उनको बोलो ना एक बार आकाश योगेश करके कोलैब करने के लिए, तुम करवाओ, मैं बोलती हूं ये डर लगता है, मैं सर सर हमारा कोलैब करवा दो नौरा मैम के साथ, तुम्हारा कोलैब करना है नौरा मैम के साथ, अच्छा कर दो अभी कैमरे के लिए, हाँ बोल दो, वही सीन है कि यार स्टूडियो वीडियो बनाया बहुत ही सही मस्त बनाया है, एंड यहाँ पर मैं बोल रहा था योगेश को, मैंने ये देखा अभी व्हाइट है ना, बस 3 महीने होने थे यहाँ पर दाल गिरी होगी, एक हफ्ते बाद ना दाल गिरी होगी थोड़ा थोड़ा कर, यहाँ पर जूते है ना अभी नए नए पहन के सब वो है करके इनविटेशन दिया है करके, वरना कुछ टाइम बाद पुराने कपड़े पहन के बदबू आई, एंटर करते बदबू आई, वैसा है वो बात अलग है कि हमारे सर वगैरह लोग ना आराम से वो कर लेंगे, मतलब क्या है सेट वेट कर लेंगे, तो उससे आएगा भी नहीं। सो गाइज अभी फाइनली हम निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो वेंचर सर ने स्टार्ट किया है, मैम ने भी चालू किया है, महाराज ने भी चालू किया, तो अच्छा है, मतलब लाइक बोलते हैं ना नई चीज़ों के लिए नए लोग, अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग ऐसे आने चाहिए, तो अभी फुल एकदम मिल विल लिया एंड सब ओपनिंग देख भी लिया, अच्छा है सब कुछ। सो बाकी अभी निकलते डायरेक्ट, अभी जा रहे हैं योगेश के हॉस्पिटल, योगेश के हॉस्पिटल जा रहे हैं, वाह योगेश को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, बिकॉज इसके ना पैर पर थोड़ा सा लग गया है, तो और इसका परसों या फिर आगे वाले टाइम
टाइम पे इसका वर्कशॉप है, तो अभी नहीं बोल सकता परसों के बाद, मेरे को पता नहीं क्या बोलते, पर तरसों इसका वर्कशॉप है, तो इसके चक्कर में फिर हमने बोला कि नहीं होना चाहिए कुछ भी ज्यादा घपला। और गुरु जी ने देखो मेरा चश्मा तोड़ दिया। अरे मेरे हाथ में इतनी पावर है, क्या करूं? पावर है वो गलती से, अपने हाथ की पावर। चल तू अपनी बाइक में बैठ और मैं अपनी बिल्लो रानी। ओ सॉरी तेरी तो बाइक ही नहीं है, स्कूटी भी नहीं है, ले लिया भाई पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा, मेट्रो का भी। चलो भाई निकलते हैं, इसको तो क्या ही करूं, फेंक दू? नहीं नहीं, अरे फेंक ही दूंगा, नहीं मैं जोड़ दूंगा उसे। ठीक है, तुम उसका पैसा नहीं दे रहे हो ना जो उसने तुम्हें छोड़ा है, उसका मेहनत का, तो उसने मेहनत का कमाया ना तुम्हारा। ओके हाँ, तो उसका पैसा दे। अच्छा क्या दो वीडियो बनाना? दो, अरे पक्का दो बनाऊंगा, चार बनाऊंगा, चार को ठोका उसको बनाऊंगा, चार चार बनाऊंगा चार। क्या बताओ बताओ क्या बोला? नहीं अंदर इससे लेके आया हूं, इधर एक 120 रुपए आया है। हाँ। पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से लात मार दी, लात घुसा मार दे। मैंने देखा तुम्हें मार, ये मार रहा था तुम्हें ना। इसके यहाँ पर देखो 126 पैसे हो रहे हैं। गाइस अभी ना मैं घर पे जा रहा था और ना ये बंदा जो है फुल दारू पी के आ रहा है और ये ऑटो वाले को मार रहा है और उसके पैसे नहीं दे रहा। ये अंधेरी स्टेशन से आया है, दो ना उसको 120 रुपए जल्दी से, उसके पैसे दे दो भाई। तुम दारू पीने के लिए पैसे है? कितने कितना का पिया? उसका पैसा देने के लिए पैसे नहीं? ओके आई विल पे, नो इश्यू। सो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ एंड या इससे पहले जितने भी चीजें आप लोगों ने देखी वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन था, बिकॉज वो ये कि मैं लोकंडवाला मार्केट से निकल ही रहा था घर के लिए एंड बीच में देख रहा हूँ कि दोनों, एक ऑटो वाला और एक पैसेंजर जो है उसका, वो दोनों लड़ रहे हैं एंड मैं देख रहा हूँ। एंड फिर मैंने रोकी गाड़ी और मैं पीछे देख रहा हूँ तो दुनिया भर के लोग उसको देख रहे, जैसे कि थॉर और थैनोस का मतलब लाइक लड़ाई हो रही हो, जैसे ऐसे ऐसे तरीके से देख रहे थे और कोई गया नहीं था रोकने के लिए। तो मैं गया, मैंने लगा क्या हो गया भाई ऐसा ऐसा वाला सीन। तो फिर भाई वो बंदा जो था पैसेंजर वो इतना ड्रंक, मतलब लाइक मैं दूर भी खड़ा था उससे तो इतना ज्यादा स्मेल आ रहा था, तो उससे ना मेरे को पूरा पता चल गया था कि गलती बंदे की है, क्योंकि मैंने उसको भी पूछा, दोनों साइड से पूछा मैंने क्या सीन है, तो उसने बोला कि भाई मैंने इसको छोड़ के आया, अंधेरी से लेके आया, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तो मैंने उसको प्यार से ही बोला, तो बोलता तू कौन है, मतलब लाइक वो देख ही रहे होंगे आप वीडियो में कि उसको जो वो बोल रहा था एंड वो ड्रंक के चक्कर में उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा था करके। तो सिचुएशन मतलब लाइक पहले तो मैं बहुत ही नॉर्मली बात कर रहा था, फिर वो मतलब लाइक बोलते ना वो तैयारी नहीं था तो मेरे को वीडियो निकालना ही पड़ा, क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन में नहीं करता, क्योंकि बहुत ही बोलते ना वर्स्ट कंडीशन में अपने ब्लॉग, क्योंकि फैमिली ब्लॉग चैनल है तो मैं दिखाता नहीं, बट फिर वही सीन है कि उसको मेरे को वीडियो बनाना पड़ा, बिकॉज आई वांट कि वो जो बंदा है ऑटो वाला वो मेहनत का कमा रहा है अपना और उसको कमाने के लिए मतलब जो उसके पैसे चाहिए वो नहीं दे रहा था, तो उसके चक्कर में मेरे को पूरा वीडियो वो जो है बनाना पड़ा। बाकी तो वही है कि उसको समझाया समझाया उसने फिर पैसे वैसे दे दिए, फिर उसको देखा कि हाँ भाई सीरियसली मेरे को अपना वो भी बताना पड़ा कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हैं ये सब वो सब। कहीं ना कहीं से आप लोग ना जो है हेल्प करवा ही देते हो। बाकी तो वही है कि यार ये सिचुएशन कभी किसी पे आए नहीं, बट वही है कि थोड़ा ध्यान रखो, फिर बाद में आगे जाने के बाद में ना पुलिस वाले को भी, एक मेरे को पुलिस वाला भी दिखा, मैंने उसको जाके बताया कि दैट सर ये सीन हुआ है करके, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ हम जाके चेक करते करके। तो वही सीन है कि होपफुली वो है कि वो बंदा जो था ड्रंक वाला वो ठीक रहे, क्योंकि पैसे तो मिल गए ऑटो वाले को, वो तो चला गया, बट उसका पता नहीं क्या सीन है। बाकी तो वही है कि हम अपना सिचुएशन जो है वो ख़राब नहीं करते अभी वाला। बाकी तो वही है कि होप करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो पता है क्या करने का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ढेर सारा प्यार, ऐसे सपोर्ट करते रहो बस।